नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण खुलासे के ऊपर बात करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। आज जबकि देश एक और मोदी के घोटाले से आहत है, पीड़ित है, सकते में है 11,000 करोड़ रुपए के घोटाले से, अब यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ा पर्याय भ्रष्टाचार का इस देश में और कोई दूसरा नहीं है। चाहे मामला छोटे वाले मोदी यानी दलित मोदी का रहा हो, या उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से राज्यसभा में टिके और उसके बाद टिक कर नहीं रह पाए, और उसके बाद भाजपा के ही आशीर्वाद से विदेश भागने वाले विजय माल्या जी रहे हो, या अब लगभग उससे दोगुना इस देश के टैक्सपेयर की रकम को बाहर लेकर छूमंतर होने वाले नीरव मोदी जी हो, ये सब एक ही बात की ओर इशारा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे भ्रष्टाचारियों को प्रश्न देते हुए अपने आप को इस देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी साबित करने पर जुटी हुई है। मैं आज उत्तरी नगर निगम के मेयर साहिबा प्रीति अग्रवाल जी के बारे में खुलासा करने जा रहा हूं और ऐसे चौंकाने वाले तथ्य और कागजात आपके सामने रखूंगा कि जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी प्रीति अग्रवाल जी को अब इस्तीफा नहीं बल्कि बर्खास्त किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ सीबीआई द्वारा जांच करवाई जानी चाहिए। मैं प्रीति अग्रवाल जी के खिलाफ निगम के एक बहुत आला अफसर द्वारा, एक बड़े अधिकारी द्वारा एक कंप्लेन किया गया रिटर्न में, कंप्लेन की उस चिट्ठी को आपके बीच में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कुछ एक सवाल करना चाहूंगा। मेरे हाथों में यह चिट्ठी है और मैंने इसमें जानबूझ के कुछ उल्लेखित नामों को डाक किया हुआ है, मैं नहीं चाहता हूं नामों का जिक्र हो। यह चिट्ठी किसने लिखी है, यह चिट्ठी किसने लिखी है, इसका भी जिक्र मैं यहां पे नहीं करना चाहूंगा, पर कहीं से हमें यह चिट्ठी मिली है और यह चिट्ठी गंभीर आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से आरोपों में घिरने के बावजूद मेयर पद पर बनी हुई प्रीति अग्रवाल जी पर। जी हां, यह वाकया 13/11/2017 का है जब एक अधिकारी के दफ्तर में टेक्निकल बिड का इवेल्युएशन प्रोसेस चल रहा था जो सिक्योरिटी प्रोजेक्ट से रिलेटेड था और माननीय मेयर साहिबा दल बदल के साथ अधिकारी के उस कमरे में घुसती है और घुसने के बाद क्या बातचीत होती है उसका भी सिलसिलेवार ढंग से इस चिट्ठी के अंदर जिक्र है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेयर साहिबा पूछती है क्या हो रहा है यहां पे, इसमें अंग्रेजी में लिखा गया है, हालांकि सवाल हिंदी में पूछे गए थे, सवाल हिंदी में पूछे गए थे, मैं इसको इसका तर्जुमा करके हिंदी में आपके सामने पढ़ रहा हूं। क्या हो रहा है यहां पे, अधिकारी ने उत्तर दिया, मैडम हम यहां पर टेक्निकल बिड का मुआयना कर रहे हैं, इवेल्युएशन कर रहे हैं, ये बॉक्स यहां पे क्यों रखे गए हैं, मेयर साहिबा पूछती है। अधिकारी कहता है जितने भी फाइनेंशियल बिड सिक्योरिटी प्रोजेक्ट के हैं टेंडर से जुड़े हुए वो सब इस बॉक्स में रखे गए हैं। मेयर साहिबा पूछती है कितना वक्त लगेगा, अधिकारी कहता है 4 से 5 घंटे और लगेंगे वेरिफिकेशन पूरा होने में। फिर मेयर साहिबा कहती है तमाम कागजात मेरे कमरे में लेकर आइए। ध्यान दीजिएगा, टेंडर है, फाइनेंशियल बिड के डॉक्यूमेंट्स रखे हैं,
टेक्निकल बिड का इवेल्युएशन चल रहा है और मेयर साहिबा टेंडर प्रोसेस की सिक्रेसी को अपनी ड्यूटी की नोक पे रख के कह रही है तमाम कागजात मेरे कमरे में लाइए। अधिकारी जो बहुत बातचीत से अपराइट ऑफिसर जान पड़ते, उन्होंने कहा नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, लिखा हुआ इसमें ये डॉक्यूमेंट्स मैं कमिश्नर को ही दूंगा उसके बाद आपसे मिलता हूं। वो फिर कहती है कि सारे कागजात मेरे कमरे में ही लेकर आइए आप, अपनी बात पर जोर देते हुए, और अधिकारी फिर से इनकार करता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपने पद से, पद की गरिमा से, उसके कानून से बना हुआ हूं और जनहित में कार्य करने के लिए बाध्य हूं, और जनहित का कहना यह है कि मैं इस बिडिंग प्रोसेस को कॉम्प्रोमाइज होने से बचाऊं। और ऐसा करना, मजे की बात देखिए कि मेयर साहिबा जब कमरे में घुसती है तो उनके साथ इस सिक्योरिटी प्रोजेक्ट के बिडिंग में इन्वॉल्व एक कंपनी जिसने खुद भी बिड किया हुआ है, उस कंपनी के लोग उनके साथ कमरे में घुसते हैं। कितनी शर्मनाक बात है। यह पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, यह सीधे सीधे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को प्रश्रय देने का मामला है। जो कंपनी तमाम बिडर में से एक बिडर है, उसके लोगों को लेकर आप बिडिंग प्रोसेस के दौरान कमरे में घुसती है, उनकी उपस्थिति में बिडिंग प्रोसेस को कॉम्प्रोमाइज करते हुए आपके द्वारा यह कहा जाना कि मेरे कमरे में सारे कागजात लेकर आए, यह इंप्रॉपर है, इलीगल है, इररेगुलर है और अनजस्टिफाइड है। इंप्रॉपर है, इलीगल है, इररेगुलर है और अनजस्टिफाइड है। ये कागजात चीख चीख कर इस बात को बयान कर रहे हैं कि इस पूरे प्रोसेस में जिस कंपनी के लोगों को लेकर कमरे में घुसी थी मेयर साहिबा, दबाव बनाकर उन्हीं के फेवर में बिड खुलवाने का प्रयास कर रही थी। और यह पहली घटना नहीं है जिस अधिकारी ने यह शिकायत की है, उसका कहना है पहले भी हो चुका है, पहले भी कई बार हो चुका है कि जब मैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में था, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर दबाव बनाया जाता था, मैंने इनकार किया। इसके बाद जनता के पैसे पर अपने घर में 5 लाख रुपए से ऊपर के बजट का एक लाविश डिनर ऑर्गेनाइज करने का मामला आया, मैंने उसको भी इनकार किया, वो भी किया गया एक शकर के पैसे पर। और जब मैं उनके खिलाफ गया जब तो नतीजा क्या हुआ कि मुझे बुलाया गया मेयर के कमरे में, जिसमें स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन साहब बैठे हैं, और उन सबकी उपस्थिति में मुझे ह्यूमिलिएट किया गया। लिहाजा चूंकि मुझे जनहित में काम करना है, अधिकारी ने गुजारिश की कमिश्नर को पत्र लिखते हुए कि एफआईआर मस्ट बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट ऑनरेबल मेयर एनडीएमसी फॉर इंटरफेयरिंग इन द प्रोसेस ऑफ टेक्निकल इवेल्युएशन ऑफ बिड्स विद द इंटेंशन टू हेल्प सम बिडर। यह पहली गुजारिश कि माननीय मेयर साहिबा के खिलाफ टेक्निकल बिड के इवेल्युएशन प्रोसेस में हस्तक्षेप करने और एक व्यक्ति विशेष को टेंडर देने के फेवर में काम करने के लिहाज से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, और जो अंडर साइन है उसको वापस दिल्ली गवर्नमेंट में रिपेट्रिएट किया जाए। एफआईआर मस्ट बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट द ऑनरेबल मेयर एनडीएमसी फॉर इंटरफेयरिंग इन द प्रोसेस ऑफ टेक्निकल इवेल्युएशन ऑफ द बिड्स विद द इंटेंशन टू हेल्प सम बिडर। सेकेंड रिक्वेस्ट मेड वाज रिपेट्रिएट द अंडर साइन टू द दिल्ली गवर्नमेंट। अब इसके आलोक में, इसके प्रकाश में भारतीय जनता पार्टी से हमारे कुछ सवाल है। पहला सवाल, क्या यह प्रस्तुत साक्ष्य इस बात के लिए पर्याप्त नहीं है कि
भारतीय जनता पार्टी अपनी मेयर को बर्खास्त करके और उनके खिलाफ सीबीआई की जांच इनिशिएट करवाए? क्या भाजपा इस तथ्य से डिनाई कर सकती है? दूसरा सवाल हमारा कि क्या कभी ऐसा अतीत में हुआ है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इस प्रकार की किसी भी करोड़ों रुपए की बीडिंग प्रक्रिया के बीच में स्टॉर्मिंग करें, इंटरफेयर करें और दबाव बनाए किसी व्यक्ति विशेष को टेंडर अलॉट करने को? और ऐसा हुआ है तो उसका हवाला दे, उसका जिक्र करें भाजपा के नेता। तीसरा, क्या भारतीय जनता पार्टी इस तथ्य से इनकार करेगी कि उनकी मेयर साहिबा स्कूलों के अंदर टीचर्स के ट्रांसफर में दबाव बनाती रही है? और क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात से भी इनकार करेगी कि मेयर साहिबा ने लाखों रुपए के देश की जनता के, दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे के ऊपर लैविश डिनर ऑर्गेनाइज किया, वो भी रूल्स को, प्रोसेसेस को बाईपास करके? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुनौती देता हूं, ये एक मसला नहीं है, एक और मसला है। इसके अलावा कुछ अधिकारी पिछले मेयर द्वारा अनियमितता के आरोप में ट्रांसफर किए गए एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट से। माननीय मेयर साहिबा ने उन अधिकारियों को वापस बुला लिया जिनके ऊपर इलीगल होर्डिंग्स और इलीगल बिलबोर्ड्स लगने लगवाने और इन मामलों में भ्रष्टाचार करने के आरोप। तो ये तमाम साक्ष्य और प्रमाण इनकी उपस्थिति में क्या भारतीय जनता पार्टी अब अपनी शुचिता की लाज रखते हुए मेयर को बर्खास्त करेगी? क्योंकि इस्तीफा देने का वक्त जा चुका है, इस्तीफे की मांग का वक्त निकल चुका है। जिस प्रकार के क्लिंचिंग एविडेंसेस हमारे सामने आए हैं, उनकी पृष्ठभूमि में, उनके आलोक में मेयर साहिबा की बर्खास्तगी एकमात्र रास्ता है भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना चेहरा बचाने का। और इसके बाद शुचिता अगर शेष है भाजपा में, तो तुरंत इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए, इस पत्र का संज्ञान लेते हुए प्रीति अग्रवाल के खिलाफ सीबीआई जांच की शुरुआत करवाए, ताकि आने वाले वक्त में दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।